आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बोला गया है कि एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर का, उसके जो इनपुट सिग्नल्स हैं वो हमको दिया है VI इक्वल्स टू 2 cos 15t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और बोला गया है इसका जो वोल्टेज गेन है वो है 150, तो आउटपुट सिग्नल के वोल्टेज क्या होंगे वो बताइए। तो देखिए, हमको पता है जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन वो हमारा इक्वल होता है V आउटपुट डिवाइड बाई V इनपुट, यानी कि V कलेक्टर करंट, कलेक्टर वोल्टेज डिवाइड बाई बेस वोल्टेज, वो हमको दिया हुआ 150, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा V आउटपुट आएगा वो आएगा 150 टाइम्स V इनपुट, और जितना फेज इन दोनों का होता है वो फेज बिल्कुल सेम रहता है, इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। तो हमको V इनपुट दिया है इतना, तो इसे 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा V आउटपुट। तो देखिए करते हैं, तो V आउटपुट मेरा आएगा 150 इंटू 2 cos 15t प्लस पाई बाई 2, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा V नॉट इक्वल्स टू 300 cos पाई 15t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यानी कि जो हमारा वोल्टेज आउटपुट आया वो 150 टाइम्स आया विदाउट एनी फेज चेंज, इसमें cos में 15t प्लस पाई बाई 2 था, इसमें भी इतना ही था, ठीक है। बस केवल एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, ना ही हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, ना ही हमारा फेज डिफरेंस चेंज हुआ। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर मैच हो रहा है, 300 cos 15t प्लस पाई बाई 3, तो यहाँ पर ये पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 3 नहीं होगा, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पाई बाई 2 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पाई बाई 2 आ रहा है, फेज चेंज नहीं होता है, तो पाई बाई 2 ही आंसर आएगा। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।